हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमरपुर आर्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा शादी कार्ड को कैसे प्रिंट किया जाता है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, आज आपको सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं कि शादी कार्ड को कैसे प्रिंट किया जाएगा, और इसमें मैंने कुछ अपना अलग ही ट्रिक यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक डब्बा ले लेंगे, छोटा सा। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, अगर मेरे जैसा स्टील का है तो आप स्टील का ले लें, और साथ में एक छोटा सा चम्मच ले लें, जिससे कि सोना कोट और सेंसलाइजर को मिक्स करने में हमें सहूलियत मिलेगी। आपके स्क्रीन पे जो ये पैकेट दिख रहा है दोस्तों, ये सेंसलाइजर का पैकेट है, जिसे कि सोना कोट में मिक्स किया जाता है, जिससे कि हमारा फ्रेम बहुत ही साफ तरीके से उग सके और दिख सके। दोस्तों, हमारा फ्रेम अगर साफ दिखेगा तभी छपाई भी साफ और सुंदर होगा, तभी कस्टमर को भी पसंद आएगा। दोस्तों, अब हम लोगों को एक इंक का डब्बा लेना है, या प्रिंटर का इंक का डब्बा है, इसमें हम लोग सेंसलाइजर मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसमें लगभग 100 ml पानी आता है, और 100 ml में हम लोग एक पैकेट सेंसलाइजर को डाल देंगे और इसे अच्छे तरीका से मिक्स कर दें, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. दोस्तों, यह सोना कोट का डब्बा है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर डायरेक्ट सोना कोट के डब्बा में ही सेंसलाइजर को मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमें जितना यूज़ होगा उतना ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम इस स्टील के डब्बा में सोना कोट उतना ही लेंगे जितना हमें यूज़ है। तो सबसे पहले यूज़ करने से पहले इसे मिक्स कर लें। दोस्तों, मैंने लगभग आधा डब्बा सोना कोट को लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. दोस्तों, मेन पॉइंट या मेन फोकस हम लोगों को यहाँ देना है कि हम लोगों ने जितना सोना कोट लिया है इसमें कितना सेंसलाइजर मिलाएंगे। तो दोस्तों, हम इसमें लगभग 30 से 35 बूंद सेंसलाइजर डाल देंगे। अगर दो चार बूंद ज़्यादा पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दो चार पाँच छः बूंद अगर कम पड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेंसलाइजर का दोस्तों काम है फ्रेम को क्लियर करना। इसके बाद दोस्तों, हम लोग चम्मच से इसे अच्छे तरीका से मिक्स कर ले। लगभग आप 5-7 मिनट तक मिक्स करें, तब यह अच्छे तरीका से मिक्स हो जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों, यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो
इस तरीके का एक बॉक्स चाहिए जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बहुत लोग दोस्तों फ्रेम पे शीशे को रख देते हैं और धूप दिखा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हाथ हिल जाता है या सही से फ्रेम पे शीशा बैठ नहीं पाता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इस तरह का एक फ्रेम बनवा लें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों अब हम लोगों को इस प्रकार का एक सोफा या गद्दे का ज़रूरत है। दोस्तों मैंने अपना डिज़ाइन पीसी पे तैयार किया हुआ था और इसे मैंने प्रिंट निकाल लिया है। दोस्तों इसे हमें डार्क करना होगा। डार्क करने के लिए इनहेंसर का यूज करना होगा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. दोस्तों ये हमारा फ्रेम है। सबसे पहले हम लोग फ्रेम का सफाई कर लेंगे किसी सूखे कपड़े से, क्योंकि इस पे बहुत सारे धूल कण चिपके हुए रहते हैं। दोस्तों इस तरह का एक पीवीसी कार्ड ले लें, या आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से भी फ्रेम पे सोना कोट को मिला सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग सोना कोट फ्रेम पे डालेंगे। आप अपने फ्रेम के हिसाब से सोना कोट ही डालें। मैंने ऐसे 2-3 चम्मच यूज किया है। अगर इस पे एक्स्ट्रा होगा तो वो बाद में हम निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत लोग का कमेंट आता है कि सोना कोट भैया मेरा मोटा हो गया पतला हो गया, तो मैं बता दूँ सोना कोट मोटा पतला कुछ नहीं होता है। इसे आप ऊपर नीचे करके मिक्स कर ले जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों फ्रेम को सुखाने के लिए आप हीट गन का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा फ्रेम जल्दी सूख जाएगा। दोस्तों आप पंखा का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप फ्रेम को सुखाएं तो अंधेरे में सुखाने की कोशिश करें। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग में जो सबसे मेन पॉइंट है वो है धूप में कितना टाइमिंग दिखाना है। तो दोस्तों अभी मैं नवंबर के महीने में फ्रेम को उगा रहा हूँ, तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, तो मैंने लगभग इसमें 2.5 मिनट का टाइम दिखाया है। और अगर धूप हार्ड हो तो टाइमिंग को कम कर सकते हैं, धूप अगर नॉर्मल हो तो टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को फ्रेम को धोना है और देखना है कि फ्रेम हमारा कैसा तैयार हुआ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's love?
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा मीटर और लेटर दोनों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा फ्रेम सही तैयार हुआ है। दोस्तों, आप हाथ से थोड़ा बहुत रगड़ सकते हैं और फुहारे की मदद से भी आप अपने लेटर को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा सारा काम सही रहा, अब आगे देखते हैं छपाई कैसे होता है। दोस्तों, अगर आप लाल कलर में थोड़ा सा काला कलर को मिक्स कर देंगे तो ये कत्थी कलर बन जाएगा, जिससे कि आपका कार्ड का कलर देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रिंट कितना सुंदर और अच्छा आया है। अगर दोस्तों आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, हम आपकी मदद करने की हर तरह से कोशिश करेंगे।